लोग डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे प्रेशर की. प्रेशर इज अ काइंड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली बाय द फ्लूइड पर यूनिट सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर. इसके यूनिट्स और डायमेंशन डिस्कस करते हैं. ऑलरेडी आपको यूनिट आते हैं. एमपीएस सिस्टम में फोर्स हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में और एरिया मीटर स्क्वायर में. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एमपीएस सिस्टम. एंड सीजीएस में न्यूटन के अलावा डाइम डालेंगे और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर डालेंगे. तो डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन सीजीएस सिस्टम. ये सीजीएस सिस्टम में है, ये एमपीएस सिस्टम में है. रादर देन दिस प्रेशर की और भी यूनिट है पास्कल. तो यू नो दैट कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी एक पास्कल होता है. पास्कल ही जनरल यूनिट हम लोग केमिस्ट्री में वगैरह इस्तेमाल करते हैं. एक और यूनिट बताती हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको शॉर्ट में हम लोग एटीएम कहते हैं. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको नियरली 1.013 × 10⁵ पास्कल भी कह सकते हैं. तो पास्कल को शॉर्ट में पीए बोलते हैं. तो ये भी यूनिट है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी यूनिट है प्रेशर मेजर करने का. और एक और यूनिट बताती हूँ, दैट इज टॉर. इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 टॉर. सो व्हाट इज दिस टॉर? इसको आप टॉर को 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी HGV कहते हैं, हाइट ऑफ मर्क्यूरी. मैंने आपको ये 11वीं में बेसिक बताया था कि प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय हैविंग द फॉर्मूला पी इज इक्वल टू HDG, वेयर H इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी, D इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो व्हाट इज दिस हाइट ऑफ मर्क्यूरी? ऑलवेज नॉर्मली एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हमेशा जनरली बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर. तो एट NTP पे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हमेशा और इन जनरल तुम्हारे बैरोमीटर पे मर्क्यूरी की हाइट 760 मिलीमीटर यानी 760 मिलीमीटर होती है. 760 मिलीमीटर सेंटीमीटर में बोलोगे तो 76 सेंटीमीटर. तो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को 1 टॉर बोलते हैं. 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी जब 1 मिलीमीटर होती है तो 1 टॉर बोलते हैं. तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी 760 टॉर इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ये भी एक प्रेशर का यूनिट है. एक और यूनिट में आपको बताती हूँ, 1 bar. एक बार, बार इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर. 1 bar इज 10⁵ नियरली 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल. तो दिस आर द समवर्ट यूनिट्स ऑफ मेजरिंग अ प्रेशर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर इन एमपीएस सिस्टम. डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ प्रेशर इन सीजीएस सिस्टम. रादर देन दिस, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी एक पास्कल होता है. तो पास्कल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर. और कन्वर्जन फैक्टर अगर बोलोगे तो जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर करते हैं तो 1 atm में मेजर करते हैं. तो 1 atm की वैल्यू कितनी होती है पास्कल में? 1.013 × 10⁵ पास्कल या 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और टॉर में अगर उसकी वैल्यू मेजर करते हैं तो 760 टॉर होता है. तो टॉर क्या होता है? एक टॉर यानी 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑफ हाइट होता है. तो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑफ हाइट में जब हाइट ऑफ मर्क्यूरी 760 मिलीमीटर होती है तब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. क्योंकि NTP पे हमेशा बैरोमीटर में तुम्हारे मर्क्यूरी की हाइट नियरली 760 मिलीमीटर होती है. और सेंटीमीटर बोले तो 76 सेंटीमीटर. ये आपको मैंने क्लास में रेगुलर में भी कई बार बताया हुआ है. दिस आर समवॉट यूनिट ऑफ प्रेशर. अब बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में. डायमेंशंस कैसे निकालेंगे प्रेशर के? सो आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है. हम लोग 11वीं में डायमेंशन कैसे निकालना वो सीखा है. डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया, राइट? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज L1 M1 P − 2, वेयर एज डायमेंशन ऑफ एरिया इज सिंपली L2. ये सब आपका फास्ट में ले ली क्योंकि ऑलरेडी ये बेसिक में सब आता है आपको. L1 M1 T − 2 और ये L2, तो ये क्या आएगा? L−1 M1 and T − 2. इट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर. ये प्रेशर के डायमेंशन. दिस वॉज समवॉट बेसिक अबाउट प्रेशर. अब बात करते हैं प्रेशर कैसे निकाला जाता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर और प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम यानी डेप्थ के अनुसार प्रेशर कैसे वैरी करता है. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम या प्रेशर ड्यू टू डेप्थ कह सकते हो. डेप्थ के अनुसार प्रेशर कैसे निकालोगे, या प्रेशर ड्यू टू डेप्थ या प्रेशर ड्यू टू
लिक्विड कॉलम, ड्यू टू लिक्विड कॉलम कैसे निकालेंगे उसके लिए बात करते हैं। देखो तो यहाँ पर एक कंटेनर है, ये कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड है और वो लिक्विड रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब इक्विलिब्रियम है, दैट मींस द लिक्विड यानी फ्लूइड, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लूइड एंड नाउ दिस फ्लूइड इज एट रेस्ट, इट इज इन इक्विलिब्रियम, सो हम कहेंगे फ्लूइड एट रेस्ट। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इसको कवर करने के लिए एक इमेजिनरी सिलेंडर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कंसिडर इमेजिनरी सिलेंडर इसको, ये पॉइंट को कवर करने के लिए, हालांकि वो सिलेंडर है नहीं वहाँ पे, हमको इमेजिन करना है। एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करिए जो कि इस लिक्विड के अंदर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर को मैं बाहर लेके आती हूँ, ठीक है, ये सिलेंडर को बाहर लेके आते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट पी है, ठीक है, और इस सिलेंडर में क्या है, लिक्विड है, और ये लिक्विड राइट नाउ इक्विलिब्रियम है, मतलब ऐसा डांस कर रखे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा कर रहे हैं, नहीं, इट इज एन इक्विलिब्रियम, इट इज एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट है इसका मतलब इस यहाँ से लगने वाला फोर्स और यहाँ पे लगने वाला फोर्स, दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लिक्विड इज जीरो, क्योंकि अगर वो इक्विलिब्रियम, कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट इज जीरो, बराबर है। तो अगर ये फ्लूइड में जो, अगर ये इमेजिनरी सिलेंडर में जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो हम पहले निकालेंगे और बाद में उसका नेट फोर्स हम जीरो पकड़ेंगे, क्योंकि वो लिक्विड इक्विलिब्रियम है। हम लोग ने 11वीं में स्केलर्स एंड वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था, कोई एक आधे बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाला नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो कितने भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करके उनका समेशन क्या आएगा, समेशन क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, तो इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। वेक्टर्स में हमने सीखा है कि इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एट जीरो, दैट मींस द बॉडी इज एट रेस्ट, दैट मींस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर एक आधे बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाला नेट फोर्स अगर जीरो होता है मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। तो अभी मैं उल्टा बोलती हूँ कि अगर एक आधी बॉडी इक्विलिब्रियम में है या अगर एक आधा लिक्विड इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब उसके ऊपर एक्ट करने वाला नेट फोर्स जीरो है। तो अभी एक मैंने कंटेनर किया, कंसिडर किया, उसके अंदर लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने कंसिडर किया और एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया, उस सिलेंडर के दूसरे एंड पे मैंने पॉइंट कंसिडर किया, ठीक है। अब आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यू नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट डू यू मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे पहले एटमॉस्फेयर मतलब क्या है, क्या होता है एटमॉस्फेयर, द गैसियस एनवेलप व्हिच सराउंड्स द अर्थ, अपने अर्थ के आजू बाजू में एक जो गैस का, नो गैसेस मतलब जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन या अदर गैसेस, इनसे मिला, इनसे मिला हुआ जो कवरिंग है, एनवलप है, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और ये गैसियस एनवलप है, ये एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ के ऊपर एग्जर्ट होने वाला प्रेशर, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस गैसियस एनवलप पर यूनिट सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये जो कंटेनर है ये ओपन है, इसको कोई ढक्कन वगैरह लगा हुआ नहीं है, खुला है। तो अगर ये खुला है मतलब दिस फ्लूइड और दिस लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर, इट्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा पी जीरो, इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा पी जीरो। तो यहाँ पर ये मैं देखो, दिस पॉइंट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो इस पॉइंट पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा पी जीरो। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पी कंसिडर किया है, और सपोज यहाँ पर प्रेशर एक्ट कर रहा है पी, क्योंकि ये डेप्थ पे है, तो आपको जैसे मैं अभी बताने जा रही हूँ कि डेप्थ के अनुसार प्रेशर कैसे बदलता है, हाउ द प्रेशर वेरिएट्स विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, तो यहाँ पर जो भी प्रेशर है उसको मैंने पी सिंबल दिया। और अज्यूम करते हैं कि तुम्हारा सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे क्या थी नाम, अज्यूम करते हैं कि तुम्हारे सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, क्या है, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, एंड आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो हाउ इज द फोर्स एक्टिंग, एफ इज इक्वल टू पी इनटू ए, इफ पी इज एफ अपॉन ए देन एफ इज इक्वल टू पी इनटू ए। तो यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है, देखो ये पी जीरो इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये पी इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, यानी ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ यहाँ पर आने वाला प्रेशर एग्जर्ट करने वाला पी, और यहाँ पर एग्जर्ट करने वाला प्रेशर मैंने पी जीरो बोला, और इस लिक्विड का जो वेट होगा एम जी, जो लिक्विड सिलेंडर के अंदर है वो अभी डांस कर रहा है क्या नहीं, वो रेस्ट में इक्विलिब्रियम में, तो उसके वजन को कोई ना कोई होल्ड कर रहा है, तो इस लिक्विड का जो वेट होगा एम जी, दैट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेशर जो है, जो कि
इस गैसियस एनवेलप की वजह से आ रहा है जो फोर्स, यानी इस प्रेशर की वजह से आने वाला जो फोर्स है वो भी एफ एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज दिस प्रेशर एट दिस पॉइंट इज ओवर हियर, थ्रस्ट बोलते हैं आप जिसको। तो ये दोनों मिला के इसको बैलेंस कर रहे हैं, राइट। तब जाके इक्विलिब्रियम में एक्ट कर रहा ना। अगर एक बॉडी दूसरे को बैलेंस करती है, एक फोर्स दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि यहाँ पर एक्ट करने वाला प्रेशर जो आएगा, ये प्रेशर के इनडायरेक्टली यहाँ पर एक्ट करने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए, और यहाँ पर एक्ट करने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू पी जीरो इंटू ए, राइट। इसको मैं नाम देती हूँ एफ वन दे देती, इसको एफ टू दे देती। और ये वेट एम जी, देखो वेट एम जी एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसको हम लोग एफ वन बोल रहे हैं ये, और ये दोनों मिला के इस प्रेशर को बैलेंस करें, मतलब इसकी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग फोर्स को बैलेंस करें। तो इक्वेशन कैसे आएगा, हम हमारा इक्वेशन आएगा एफ वन प्लस एम वन जी, यानी एम जी इज इक्वल टू एफ टू, राइट। एफ वन प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ टू। एफ वन क्या है, एफ वन है पी जीरो इंटू ए, राइट, पी जीरो इंटू ए। एम जी को एम जी रखो, और एफ टू क्या है, वो पी इंटू ए, पी इंटू ए। यहाँ का प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, और एफ वन क्या है, यहाँ का प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, एंड प्लस एम जी क्या है, उस लिक्विड का वजन, लिक्विड कॉलम का वेट। ओके, तो पी जीरो ए प्लस एम जी इज इक्वल टू पी ए। अब एम क्या है, मास ऑफ द लिक्विड कॉलम, इस लिक्विड कॉलम का मास। अब मास कैसे निकालते हैं, ये जो लिक्विड है अज्यूम टू बी की इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो, लेट रो विद द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हम लोग मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम। बट इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के हिसाब से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट। इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट, तो अज्यूम करते हैं कि सिलेंडर की हाइट है h, तो m इज इक्वल टू रो इनटू p, एंड d इज इनटू h, तो m इज रो इनटू a इनटू h। अब मैं यहां पर m की जगह पे देखो रो इनटू a इनटू h, m की जगह पे m इज रो इनटू a इनटू h, रो इनटू a इनटू h, और ये g इज इक्वल टू pa, और यहां पे p0 इनटू a, ठीक है। अब सब जगह a नजर आ रहा है, उस a को कॉमन ले लो, ए को कॉमन ले लेते हैं, ए को कॉमन ले लिया, इट विल बी पी जीरो प्लस रो एच जी इज इक्वल टू पी ए, राइट। अब ए ए गेट कैंसिल, एंड व्हाट, पी जीरो प्लस रो एच जी इज इक्वल टू पी, मतलब यहाँ का प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर प्लस एच रो जी, राइट। पॉइंट इस, ये देखो ये जो बॉटम पे यहाँ पे कंटेनर के सिलेंडर के बॉटम पे ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ का प्रेशर जो है वो यहाँ के प्रेशर से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, कितने से, एच रो जी। ये पॉइंट, ये बॉटम वाला जो कंटेनर के अंदर का पॉइंट है, ये पॉइंट का प्रेशर ये पॉइंट से ज्यादा है, ये पॉइंट का प्रेशर कितना है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, और ये पॉइंट का प्रेशर कितना, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू डेप्थ एच की वजह से जो आने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर। सो पी इज इक्वल टू पी जीरो प्लस एच रो जी, P is equal to P0 plus H rho G, whereas P0 is the atmospheric pressure which is open, which is at, due to atmosphere, and P is the pressure at the depth, and H rho G is a additional pressure due to depth, depth के वजह से आने वाला extra pressure, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा। हमने surface tension में भी मैंने आपको ये pressure के points बताए थे कि at bottom atmospheric pressure तो रहेगा ही रहेगा plus HDG यानी H rho G रहेगा, और यहाँ का प्रेशर पी जीरो, तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आ रहा है इस पॉइंट पे अंदर डेप्थ की वजह से होने की वजह से, इज एच रो जी। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है इसको गॉज प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। व्हाट इज मीन बाय गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एट अ डेप्थ एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एट अ डेप्थ एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इनफर्क जो होता है उसको गॉज प्रेशर बोलते हैं। तो इसको इस हिसाब से मैथमेटिकली मैं लिखूं कि गॉस प्रेशर इज पी माइनस पी जीरो व्हिच इज नथिंग बट एच रो जी, क्लियर हो गया, दिस इज व्हाट अबाउट द गॉस प्रेशर। अब ये है, हमने पढ़ा कि डेप्थ के अनुसार प्रेशर में फर्क पड़ता है, आप जितना और अंदर जाओगे ना, लिसन कैरफुली, अगर मैंने एक आधा पॉइंट और अंदर कंसिडर किया ना तो डेप्थ और बढ़ेगी, ये डेप्थ से भी ये डेप्थ और ज्यादा रहेगी, तो यहाँ का प्रेशर और ज्यादा रहेगा।
अगर कोई एग्जैक्टली इस बॉटम एंड का प्रेशर कंसिडर करता है तो ये प्रेशर और भी ज्यादा है, मतलब आप जितना डेप्थ पे जाओगे उतना प्रेशर आपको ज्यादा मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप ऊपर ऊपर जाते हो तो ये पॉइंट से ये पॉइंट का प्रेशर कम रहेगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट का प्रेशर कम रहेगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट का प्रेशर ऐसे ऐसे कम कम होती जाएगा। क्लियर है? सो एट द सर्फेस एग्जैक्टली ओनली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी देयर। इसके बारे में और भी आगे कुछ पॉइंट्स आएंगे, लेकिन एक पॉइंट मेरा यहाँ पर बताना रहेगा आपको कि हमने पढ़ा है कि फाइनली वी गॉट द कंक्लूजन दैट कि प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वी गॉट द कंक्लूजन दैट फ्रीज प्रेशर इज एक्स्ट्रा प्रेशर इन टू डेप्थ इज एच डी जी, दैट इट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ और या आपको रो एच अपन ने रो सिंबल इस्तेमाल किया लिक्विड की डेंसिटी के लिए। तो एच इज अ डेप्थ ड्यू टू लिक्विड कॉलम या कितने डेप्थ पे जा रहे हो अंदर। Rho stand for density of that fluid or density of liquid and G stand for acceleration due to gravity. तो इस प्रकार P is equal to hρg, it depends on how much is the depth of the liquid, it depends upon the nature of the liquid, यानी indirectly density की liquid की density पर depend है, मतलब indirectly liquid की nature पर depend है और it depends upon the acceleration due to gravity. This is what about the pressure. तो pressure ये scalar quantity है, आपके Arrhenius ने उसको tensor बताया है और आपके स्टेट बोर्ड की किताब में स्केलर बताया, तो इन जनरल हम उसको स्केलर ही कंसिडर करते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन उसको कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती और वो ना ही डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर व्हेनेवर द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नॉर्मल काइंड ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट, व्हेनेवर द नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस एंड हेंस यू शुड नॉट कंसिडर अ डायरेक्शन व्हाइल कैलकुलेटिंग अ प्रेशर एंड हेंस द प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, दिस इज वॉट अबाउट अ प्रेशर। अब बात करते हैं कि हमने देखा कि जैसे वर्टिकल हाइट में प्रेशर हाइट की वजह से डेप्थ की वजह से जैसे प्रेशर में वेरिएशन आता है, तो ये हो गया वर्टिकल लेवल पे प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, यानी वर्टिकल लेवल पे हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर का वेरिएशन कैसे आता है, हाउ द प्रेशर वेरिएट्स इन अ हॉरिजॉन्टल लेवल। ऑफकोर्स इफ द फ्लूइड्स आर एट रेस्ट, हम लोग फ्लूइड आर एट रेस्ट उसके बारे में बात करें, तो ये कैसा कंटेनर है, इसमें लिक्विड है ऐसा, और यहाँ पर मैं दो पॉइंट कंसिडर करी, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर। अब ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, इसी कैलकुलेट ये पॉइंट जिस लेवल पे हॉरिजॉन्टल मतलब बॉटम, ये पॉइंट जितने लेवल पे उतने ही लेवल पे ये भी पॉइंट है। अगर कोई मुझे पूछे कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है तो मैं बोलूंगी पी जीरो प्लस एच रो जी या वट एवर, इसकी सर्फेस के डेप्थ के अनुसार ये पॉइंट एच इतने डेप्थ पे। और यहाँ पे कोई पूछे कि प्रेशर कितना है तो मैं बोलूंगी पी जीरो प्लस एच रो जी, बराबर है, फिर से वही क्योंकि लिक्विड भी सेम था तो डेंसिटी भी वही रहेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आने वाला ऊपर ऊपर कोई पूछे तो पी जीरो, लेकिन यहाँ पे पूछे तो पी जीरो प्लस एच डी जी या एच रो जी, वे रो स्टैंड फॉर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे भी पी जीरो प्लस एच रो जी आएगा। अब ये दोनों पॉइंट अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे और कोई मुझे पूछे कि इन दोनों पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस है क्या, तो मैं बोलूंगी इन दो पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस नहीं है क्योंकि इसका प्रेशर सपोज पी टू है, इसका टोटल प्रेशर है पी वन और मैं निकालने जा रही हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी वन माइनस पी टू, बट पी वन की वैल्यू तो पी जीरो प्लस एच रो जी थी और पी टू की वैल्यू भी पी जीरो प्लस एच रो जी, बराबर है, तो डिफरेंस क्या आएगा जीरो क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे थे, इसलिए यहाँ पर दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम है। लेकिन अगर ऐसा होता कि इसी कंटेनर में मैं दो पॉइंट कंसिडर करती, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, ओनली लिक्विड की लेवल ऐसी है तो, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी जीरो और यहाँ पर एक पॉइंट ए है यहाँ पर एक पॉइंट बी है, तो आप बताओ आपके हिसाब से कहाँ का प्रेशर ज्यादा होता, पॉइंट बोलो पॉइंट बी, बराबर है, पॉइंट बी का प्रेशर ज्यादा होता क्योंकि वो सरफेस से ज्यादा डेप्थ है, जिसके डेप्थ ज्यादा होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा, पी जीरो प्लस एच रो जी, इधर भी पी जीरो प्लस एच, तो इसको एच बोलते हैं, इसको एच डैश बोलते हैं, तो एच डैश यहाँ पर ज्यादा है इसलिए यहाँ का प्रेशर ज्यादा है क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं है। क्लियर हो गया ये? अब बात करते हैं एक और कि आपके किताब में या कोई रेफरेंस बुक में एक आपको डायग्राम दिखी होगी कि जहां पर आपने देखा होगा कि एक ऐसा कंटेनर है ना, इसके बेसिस है एक ये इस तरह का डायग्राम है, एक डायग्राम है लाइक दैट और एक डायग्राम है ऐसी, राइट, सबके बेसिस जो है वो ऑलमोस्ट सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले थे सभी के बेसिस, तो यहाँ पर सभी के बेसिस ऑलमोस्ट सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले हैं, तो अगर
यहाँ पर जितने हाइट तक पानी है उतने हाइट तक अगर यहाँ पर पानी है और उतने हाइट तक अगर यहाँ पर पानी है, तो कोई मुझे पूछे कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, तो मैं बोलूँगी सेम ही होगा, भले ही कंटेनर का शेप अलग अलग हो। इवन दो द शेप ऑफ द कंटेनर इज डिफरेंट, स्टिल द प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी सेम। व्हाई? बिकॉज यहाँ से इस पॉइंट की जो डेप्थ है, यहाँ से इस पॉइंट की जो डेप्थ है, यहाँ से इस पॉइंट की डेप्थ एक समान है, तो डेप्थ एक समान, इसलिए प्रेशर एक समान, यहाँ सभी जगह पर प्रेशर एक समान होगा। हालांकि तीनों कंटेनर में जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो अलग अलग है, तीनों कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम अलग अलग है, तीनों कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम अलग अलग है, उसके बावजूद भी बॉटम के जो पॉइंट आपने डीप में कंसिडर करे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, उनका प्रेशर सेम होगा, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइट सेम है, तीनों कंटेनर में जो लिक्विड की हाइट है वो सेम है। अब एक उल्टा सवाल कभी कभी ऐसा आता है, उल्टा सवाल ऐसा कि वो पूछते हैं आपको कि तीन कंटेनर है ना, सुना अभी मैं सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करी, ऐसे क्वेश्चन जेई में वगैरह आते ट्विस्ट करें क्वेश्चन को कि तीन कंटेनर है और तीनों कंटेनर में सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। तीन, अभी देखो इसके पहले केस में मैंने क्या बोला था कि वॉल्यूम इज डिफरेंट बट द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इज सेम इन एवरी कंटेनर, इसलिए प्रेशर बॉटम पे हर जगह सेम है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन है, ट्विस्ट किया क्वेश्चन ऐसा है, तीन कंटेनर है अलग अलग शेप वाले, इसका ये थोड़ा नीचे से ब्रॉड होते जा रहा है और ये नीचे से नैरो होते जा रहा है ऊपर से, और ये एक समान है, और यहाँ पर जितना वॉल्यूम लिक्विड का इधर है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का इधर है, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का इधर है। तो आपको पूछते हैं कि सपोज यहाँ का पॉइंट ए बोलते हैं, यहाँ पे बी बोलते हैं, यहाँ पे सी बोलते हैं, और अब आपको पूछते हैं कि कहाँ का प्रेशर ज़्यादा कम होगा, सेम होगा, था क्वेश्चन था कि तीनों में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड यानी सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रखा है। तो अभी इधर देखो ये ब्रॉड है और ये नैरो हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लिक्विड की हाइट आएगी वो थोड़ी कम आएगी, है ना? नहीं, ये थोड़ा ब्रॉड है और ये सॉरी नैरो और ये ब्रॉड हो रहा है, तो यहाँ पर लिक्विड की जो लेवल है वो नियरली थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रॉड ब्रॉड होते जा रहा है और ये पहले ब्रॉड है बाद में, तो ये नैरो होते रहे यहाँ पर कम आएंगी, और यहाँ पर ये एक समान है, तो ये ऑलमोस्ट आप इसको थोड़ा सा इसका बेस थोड़ा मोटा हो गया डायग्राम देख लो। अब आपको कंसिडर करना है कि कहाँ का प्रेशर आपको निकालना है। अभी देखो लिक्विड के लेवल पे फर्क पड़ गया, सपोज आपका ये लेवल जो है वो इतनी हाइट तक आ रहा है, तो ये हाइट फर्क पड़ गया, तो ये पॉइंट देखो इसका डेप्थ बदल गई, हालांकि मैंने तीनों में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड डाला था, तीनों में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सेम डाला था। अब वॉल्यूम अगर सेम डाला है और कंटेनर की शेप अलग अलग है, तो आप जब कोई वॉल्यूम इसमें डालोगे, कोई वॉल्यूम इसमें डालोगे, कोई वॉल्यूम इसमें डालोगे, तो लेवल में तो फर्क पड़ना ही है, तो इसमें लेवल जो है वो इतनी नियरली अगर मैं कुछ एक सामान ले लूँ, इसको थोड़ा सा डायग्राम को आप देखो, मैंने ये कोई मेजरमेंट करके डायग्राम निकाली नहीं है, तो आपको उतना प्रैक्टिकली सोचते वक्त थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये लिक्विड का वॉल्यूम इतना मैंने कर लिया, क्योंकि ये एक समान डायमीटर वाला है, और ये पहले नैरो था बाद में ब्रॉड होते जा रहा है, और ये पहले ब्रॉड था और बाद में नैरो, तो डेफिनेटली इसका लिक्विड का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसका थोड़ा कम रहेगा, बराबर है? ये ब्रॉड है, नैरो होते जाते, पहले ज़्यादा अमाउंट बैठेगा, तो इसकी लेवल हाइट थोड़ी कम, थोड़ी सी कम होगी। अब आपको पूछेंगे कि कहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, तो आप बताओ कहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, पॉइंट सी का, पॉइंट बी का, पॉइंट ए का, राइट? पॉइंट सी का, बराबर है? क्योंकि यहाँ पर डेप्थ ज़्यादा हो गई है, पॉइंट सी का प्रेशर। फिर उसके बाद बोलो, उसके बाद पॉइंट बी का, राइट? बी का, और उसके बाद पॉइंट ए का। तो यहाँ पे डायग्राम वैसी जो इसके पहले प्रीवियस केस में मैंने डिस्कस किया था, वहाँ का पॉइंट वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। आप ये क्वेश्चन ऐसे आपको दिखते हैं तो आप थोड़ा उसको सोच समझ के सॉल्व करो, ठीक है?